अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरफात और आप देख रहे हैं टुडे ऑल जॉब्स इन अपडेट। आज की हमारी अपडेट फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है, जिसके ज़ैली इदारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम हज़ारों असामियाँ खाली हैं। तो दोस्तों जी हाँ, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम हज़ारों असामियाँ आई हुई हैं, जिसकी तालीम जो है ना उन्होंने FSC से लेकर मास्टर तक रखी हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ये इश्तिहार पढ़कर दिखाऊं, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को जॉब्स अपडेट मिलती रहें। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की असामियाँ आप लोगों को और कोई नहीं बताएगा। बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों से के लिए ये लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। मैं ये बॉटम टू टॉप पढ़ूँगा। ये आप लोग देख रहे हो कि साइंटिफिक असिस्टेंट ये 2 है, बायोलॉजी इसमें FSC प्री मेडिकल मांग रहे हैं, और इसमें जो नील जो है ना ये वाला तजर्बा है, इसी में प्रैक्टिकल लैब एक्सपीरियंस इन रेवलेंट फील्ड वेल बी प्रेफर। वो कह रहे हैं कि अगर एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लैब का है तो प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट इसमें BCom BBA BS 2 ईयर मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस नील है। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा। ये जो असामियाँ ख़ासतौर अटामिक तर्ज की होती हैं, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें जब भी असामियाँ आती हैं हुकूमत इसको शो नहीं करती। इसमें बहुत सारी असामियाँ होती हैं, तो आप लोग मैं ये बता दूं इसमें कम अज़ कम 1000 से 1500 तक असामियाँ खाली हैं। ये मैं आप लोगों को साइंटिफिक प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जूनियर चार्जमैन बायोमेडिकल लैब इसमें 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इक्विवेलेंट रेवलेंट फील्ड, जूनियर चार्जमैन बायोमेड लैब टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी इसमें जी जनाब केमिकल का डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न उसकी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस नील है। और यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि अगर एक्सपीरियंस तो नील है, अगर तजर्बा है तो फिर भी प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी इसमें BSc रेवलेंट फील्ड में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर में MBBS मांग रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर में BSIT BSE 4 ईयर डिग्री या BSE ऑनर मांग रहे हैं। तो इसमें भी वो बता रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो नील है, अगर उस बंदे को प्रेफर किया जाएगा जिसके पास ये एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर बायोमेडिकल इंजीनियर इसमें BA BSc इंजीनियरिंग मांग रहे हैं, और इसकी भी वही शरायत हैं जिस तरह पहले थी। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर मांग रहे हैं ये बायोटेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक इंटोनोमी फूड टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री क्वालिफिकेशन इसमें MSc मांग रहे हैं, और एक्सपीरियंस नील मांग रहे हैं इसमें भी, और रेवलेंट फील्ड में अगर एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफर किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने इस जॉब पर किस तरह अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो इससे पहले आप लोगों को लास्ट डेट बता दूं कि इसकी लास्ट डेट जो है ना 24 नवंबर 2019 है, और जिस भाई को ये इश्तिहार चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। अब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ, www.induction786.com। ये मैंने पहले से ही खोल रखा था, मैं आप लोगों को इसका ऐड दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख रहे हो induction.com खुली हुई है, इसमें 2 इश्तिहार खाली हैं। इसमें एक है कराची की असामियाँ आई हुई हैं, और दूसरी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 रावलपिंडी और इस्लामाबाद, क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही मौजूद है, तो इसलिए यही इश्तिहार है। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा जो कि इस तरह का होगा। ये आप लोग देख रहे हो जिसमें जो असामियाँ आई हुई हैं उनकी लास्ट डेट भी लिखी हुई है, और लोकेशन भी उन्हें बता रहे हैं। तो जो भी असामियाँ फ़र्ज़ की या आप लोग किसी भी असामी पर अप्लाई करना चाहते हो, मैंने इस जगह पर क्लिक किया और हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो गया। इसमें आप लोग देख रहे हो कि क्रिएट न्यू अकाउंट आप लोग करोगे, बिल्कुल सादा सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। क्रिएट अकाउंट करोगे, फिर उसमें ईमेल और पासवर्ड डालोगे, लॉगिन करके फिर आप लोगों के पास एक न्यू विंडो खुलेगी जहाँ पर सारा डेटा आप लोग दोगे, तो आप लोगों का अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को अप्लाई करने में मुश्किल हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं आप लोगों को इस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जॉब्स अपडेट पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।